तो यहाँ पे हाइपर ओएस 1.5 जुलाई अपडेट का ऑफिशियल ट्रैकर हमारा रिलीज़ हो चुका है। इसको मैं अपनी वेबसाइट में अपडेटेड कर चुका हूँ कि कौन कौन से स्मार्टफोन्स में अभी तक हाइपर ओएस 1.5 के लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे रिलीज़ कर दिए जा चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल। सो मेरे यूट्यूब चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराता रहता हूँ। सो यहाँ पे हाइपर ओएस 1.5 जुलाई अपडेट ट्रैकर इज नाउ अवेलेबल फॉर शाओमी डिवाइसेस। सो यहाँ पे शाओमी सीरीज़, रेडमी की नोट सीरीज़ एंड एट द लास्ट हमारी पोको सीरीज़ में से कौन कौन से स्मार्टफोन्स में हाइपर ओएस 1.5 जुलाई अपडेट देखने के लिए मिल चुका है, आपको शो कर देता हूँ। सो यहाँ पे शाओमी 12S प्रो, शाओमी 12 प्रो और शाओमी 12X और शाओमी 14CV इनमें केवल सिंपल हाइपर ओएस के जुलाई सिक्योरिटी पैच पे देखने के लिए मिले हैं, 1.5 में देखने के लिए नहीं मिले हैं। शाओमी 14 के लिए 1.0.20, 1.0 UNC EUXM, 1.0.12.0 ग्लोबल स्टेबल, 1.0.9.0 इंडिया स्टेबल, 1.0.11.0 इंडोनेशिया एंड रशिया स्टेबल। और यहाँ पे शाओमी मिक्स फोल्ड 3 के लिए 1.0.9.0 चाइना स्टेबल, शाओमी मिक्स फोल्ड 4 के लिए 1.0.8.0, 1.0.9.0 चाइना स्टेबल, शाओमी 13 के लिए 1.0.10.0 चाइना स्टेबल, शाओमी 13T के लिए हाइपर ओएस पे ही एक नॉर्मल सिक्योरिटी पैच अपडेट, शाओमी 13 प्रो के लिए 1.0.8.0 चाइना स्टेबल, शाओमी 13 अल्ट्रा के लिए 1.0.12.0 चाइना स्टेबल, शाओमी 13 लाइट एंड शाओमी पैड 6 के लिए नॉर्मल हाइपर ओएस पे सिक्योरिटी पैच अपडेट्स। सो यहाँ पे रेडमी सीरीज़, रेडमी नोट सीरीज़ में से रेडमी टर्बो 3 1.0.14.0, रेडमी K70E 1.0.16.0, रेडमी K70 1.0.17.0 चाइना स्टेबल, रेडमी 13C के लिए हाइपर ओएस पे सिक्योरिटी पैच, रेडमी K50 अल्ट्रा के लिए हाइपर ओएस 1.5 का बिग पैकेज अपडेट 1.0.5.0, 1.0.6.0 में, रेडमी 12C, रेडमी नोट 12 प्रो, प्रो प्लस 5G, रेडमी नोट 12S, रेडमी A3X, रेडमी 13, रेडमी 13C 5G, रेडमी 13C, रेडमी नोट 13 5G, रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G, रेडमी नोट 12 4G, रेडमी नोट 11 NFC, रेडमी पैड प्रो, रेडमी पैड प्रो 5G, रेडमी 10A, रेडमी 10C, रेडमी 10 5G, रेडमी नोट 10S, रेडमी नोट 11S, इन सब में हाइपर ओएस MIUI 14 पे नॉर्मल सिक्योरिटी पैच जुलाई पे देखने के लिए मिल चुके हैं। सभी के बिल्ड से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे एट द लास्ट M6 के लिए, X5 प्रो के लिए और यहाँ पे हमारा M5S के लिए, इन पे नॉर्मल सिक्योरिटी पैच पे अपडेट रिलीज़ किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे F6 प्रो में 1.0.5.0 ग्लोबल, 1.0.4.0 इंडिया, F6 प्रो के लिए 1.0.5.0 यूरोप एंड ग्लोबल स्टेबल, इनके लिए हाइपर ओएस 1.5 पे बिग पैकेज अपडेट जुलाई सिक्योरिटी पैच। सो अभी तक केवल इन्हीं शाओमी स्मार्टफोन्स के लिए हाइपर ओएस 1.5 के जुलाई सिक्योरिटी पैच यानी कि बिग पैकेज में रिलीज़ किए गए हैं। आप कौन से शाओमी स्मार्टफोन के लिए वेट कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करके जाना।